Welcome back to my channel. This side Mansi Yadav with you once again. I hope everybody is doing really, really great. So, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम मानसी यादव है. I'm a cabin crew for last 3 years. So guys, आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रेनिंग और एग्जाम्स कैसे कैसे होते हैं, क्या लाइफस्टाइल होता है, क्या स्केड्यूल होता है एज अ कैबिन क्रू. बिकॉज आई नो दैट यू आर गोइंग टू बी फ्यूचर कैबिन क्रू. यू नो एज अ ट्रेनिंग क्या होती है, स्केड्यूल क्या होता है ट्रेनिंग का, यू नो आपका पूरा टाइम कैसे बीतेगा, क्या होगा ट्रेनिंग में, क्या नहीं होगा. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. सो यस, वीडियो के लास्ट तक रुकना सो दैट आपको सारी चीजें पॉइंट्स पता चलेगी क्या होगा ट्रेनिंग में, क्या चीज नहीं होगी. सो ट्रेनिंग में गाइस आपकी 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है. 3 मंथ्स की ट्रेनिंग में आपको यू नो यू हैव टू गिव लॉट ऑफ एग्जाम्स, यू हैव टू गो फॉर लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स. बिकॉज यू नो हम लोग सोचते हैं कि यू नो कैबिन क्रू इज जस्ट अबाउट सर्विस, बट यू नो सर्विस इज जस्ट नॉट अ स्मॉल थिंग. बट बिकॉज सर्विस के अलावा भी आप काफ़ी चीज़ें लर्न करते हो. फॉर एग्जाम्पल सेफ्टी लर्न करते हो, इक्विपमेंट्स लर्न करते हो, फर्स्ट एड लर्न करते हो, इक्विपमेंट्स लर्न करोगे सब लोग सोचते ईजी होगा सर्विस तुम. बिकॉज वेन आई यूज टू एंटर द यू नो माई ट्रेनिंग सेशन, आई यूज टू बी लाइक यू नो जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी ट्रेनिंग के लिए, मेरे को लगा था कि यार ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं, इट्स गोइंग टू बी वेरी नॉर्मल, नथिंग गोइंग टू बी यू नो इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा. बट जब थ्रू आउट माई ट्रेनिंग आई हैव सीन पीपल गोइंग एंड कमिंग एंड यू नो आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल. 30 लोग हैं बैच में, 30 में से काफ़ी लोग गए हैं बाहर निकले बिकॉज दे वर अनएबल टू क्लियर द एग्जाम्स. बट दे विल गिव यू चांस फॉर श्योर. बट ऐसा है कि 3 चांस के बाद अगर आपको बैचेस भी चेंज होते हैं, अगर इफ यू थिंक यू नो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो देन दे विल टेल यू. अगर बात करें कि जो 2 एग्जाम के एग्जाम्स होते हैं वो एग्जाम्स होंगे आपके रिटर्न एग्जाम भी होगा और वाइवा भी होगा. ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि वाइवा और रिटर्न एग्जाम्स दोनों में आपको 100 में से यू नो मार्क्स मिलते हैं, 100 में से आपको 90 मार्क्स पासिंग मार्क्स होते हैं. और ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आप कौन सी एयरलाइंस के लिए काम कर रहे हो. तो कुछ एयरलाइंस में 80 मार्क्स पासिंग मार्क्स होते हैं, कुछ में 90 मार्क्स पासिंग मार्क्स होते हैं. सो यू थिंक यार वो तो जब हम स्कूल में थे हम यूज टू थिंक 90 मार्क्स भाई साहब वो टॉपर लोगों के आते हैं, राइट. तो इट्स जस्ट लाइक दैट आपको टॉपर ही बनना है यहाँ पर आके, नहीं यहाँ टू स्टडी अ लॉट फॉर दिस. ओके, अगर हम चाहें नेक्स्ट चीज के ऊपर दैट इज सोशल मीडिया, तो गाइज आप यू नो भूल ही जाओ क्योंकि सोशल मीडिया के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा. बिकॉज जब मैं ट्रेनिंग सेशन में थी आई यूज टू यू नो सोशल मीडिया मेरा बहुत कम हो गया था, मैं बहुत कम यूज कर रही थी बिकॉज उस टाइम पर. और आपके जो टाइमिंग होगा वो जाने का 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी, 3 टाइमिंग्स होंगे. टाइमिंग्स होगा आपका मॉर्निंग यू नो आपको 8 बजे की ट्रेनिंग सेशन होगा, फिर 8 बजे से या 9 बजे ट्रेनिंग सेशन होगा. एंड यू हैव टू गो मॉर्निंग 8 बजे 8 बजे आपको पहुंचना होगा, रिपोर्टिंग टाइम होगा आपका. और आप इवनिंग में 4 बजे आपकी छुट्टी होगी, 4 बजे से आपको कोई भी डिपेंड करता है कौन सी एयरलाइंस के लिए काम करते हो, डिपेंड करता है एयरलाइंस में कोई ट्रांसपोर्टेशन आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. सो यू नो इट्स ऑल डिपेंड ऑन दैट. और दिस विल बी योर ट्रेनिंग टाइमिंग्स एंड आप ऑलमोस्ट जैसे ही आओगे नेक्स्ट डे, छुट्टी नहीं होती है, वीक में एक छुट्टी होगी. मेरे को डिपेंड करता है कि आपका ट्रेनिंग कहाँ पर होगी गाइस. फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है, डिपेंड करता है कि यो एयरलाइंस का यू नो बेस कहाँ पर है, उनका ट्रेनिंग सेशन कहाँ पर लगता है ना. फॉर एग्जांपल किसी किसी एयरलाइंस का यू नो ट्रेनिंग सेशन दिल्ली में है, किसी का बैंगलोर में. सो आई वॉज लकी कि यू नो जो इंडिगो का ट्रेनिंग सेशन है दैट इज यू नो वो जो ट्रेनिंग सेशन है वो दिल्ली में ही है. सो कुछ लोग होते हैं बैंगलोर में होता है, तो काफ़ी लोग को ट्रैवल भी करना पड़ता है. सो यस, दिस इज अ मेन थिंग. एंड आपको ट्रेनिंग के टाइम पे यू गेट सैलरी एज वेल, क्योंकि आप लोगों को सैलरी मिलती रहती है, दैट्स रियली नाइस. और आप पढ़ाई करते हो सैलरी भी मिलती है आप लोगों को. और यू हैव टू स्टडी अ लॉट गाइस, और हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी आपको ऑलमोस्ट. और एवरी डे यू हैव टू गो फॉर अ ट्रेनिंग, एवरी डे यू हैव टू स्टडी, एवरी डे यू हैव टू क्लियर ऑल ऑफ एग्जाम्स, एंड यू हैव टू वेयर फॉर्मल्स गाइस, फॉर्मल पहन के जाना होता है ट्रेनिंग सेशंस में. और जैसे ही आप कुछ लास्ट मंथ में आपके जो एग्जाम होते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे यू नो एयरलाइंस एग्जाम होते हैं, देन यू गो फॉर द DGSA एग्जाम्स. अगर आप वो एग्जाम्स क्लियर करते हो देन यू गेट यूनिफॉर्म. ओके, आपको जब यूनिफॉर्म मिलते हैं उससे पहले आपको यू नो आप फॉर्मल ड्रेस में ही रहते हो. और जैसे आप वो एग्जाम्स सारे क्लियर कर लेते हो धीरे 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 धीरे, देन यू गेट अ लास्ट एग्जाम जैसे आप क्लियर करते हो यू गेट यूनिफॉर्म, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, आपको यूनिफॉर्म मिल जाती है. तो दिस वॉज होल ट्रेनिंग स्केड्यूल जो होता है आप लोगों का. यू हैव टू स्टडी अ लॉट, नथिंग इज मोर डिफिकल्ट, बट येस पढ़ना तो पड़ेगा आपको, करना है आपको, ड्रीम अचीव करना है, यू हैव टू स्टडी अ लॉट. एंड दिस वॉज माई ट्रेल होल ट्रेनिंग स्केड्यूल जो आई यूज टू थॉट यू नो आपके साथ डिस्कस करूँ, बिकॉज यू हैड यू नो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग कि टाइमिंग्स क्या होते हैं, कैसे जाना होता है, क्या करना होता है, हमें समझ नहीं आ रहा है. और गाइस रही बात यू नो बुक्स, इसकी बुक्स जो होती है बाहर नहीं मिलती है, इट्स यू नो जो एयरलाइंस होती है वही आप लोगों को बुक्स हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाएगी, वही सारी चीज़ें पढ़नी होती है. नथिंग लाइक कि आपको इंस्टीट्यूट बाहर अगर आप ज्वाइन करते हो सो वो सारी चीज़ें यू नो इंस्टीट्यूट के थ्रू आप लर्न कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना इट्स नॉट मैंडेटरी थिंग. और इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाया जाता है मैं ये बोलूँगी कि यू नो कि अगर आपको ज्वाइन करना ज्वाइन कर सकते हो, बट येस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना मैंडेटरी नहीं है.
So you'll be learning each and everything in that airlines only jab aap select ho jaoge. So all the very, very best to all my future cabin crew out there, all my cuties out there. I love you so much. Take care. God bless. And see you in the next video. I hope ye video aapko achhi lagi. Video achhi lagi, then don't forget to like this video, share karna mat bhulna, subscribe to the channel. Bye. Take care.